आप लोगों के सामने यहां पर एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यहां पर ये बात की जा रही है चागोज आर्क्योपेलिगो के बारे में। क्या होता है ये एक तरीका द्वीप समूह होता है या फिर आप लोग आइलैंड बोल सकते हैं। ये है रिसेंटली अभी काफी न्यूज में था, ये कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है। तो किस दो कंट्री के बीच में ये कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है? तो यहां पर बात की जा रही है, ए में बोला गया है यूएसए और मालदीव के बीच में, बी में बोला गया है यूके और मॉरिशस के बीच में, सी में बोला गया है यूके और मालदीव के बीच में, डी में बोला गया है यूएसए और यूके के बीच में। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद में आप लोग आंसर देखिएगा। तो आइए आंसर देख लेते हैं। आंसर वैसे इसका है बी, यानी कि यूके और मॉरिशस के बीच में। एक बार आप लोग इसकी लोकेशन देख लीजिए, ये ऊपर दिख रहा है आप लोग यहाँ पर केरला, यानी कि हमारी कंट्री है। यहाँ पर ये हो गया श्रीलंका। इसके अगर थोड़ा नीचे आप लोग आएंगे, यहाँ आप लोगों को मालदीव देखने को मिलेगा, और थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये है आइलैंड। ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोग आएंगे तो ये देखने को मिलेगा आप लोगों को मॉरिशस। ठीक है, तो यहां पर ये मॉरिशस हो गया, तो और यहां पर ये सीशेल्स हो गया। तो ये वाला जो एरिया है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये डिसिप्यूटेड एरिया है। डिसिप्यूटेड एरिया किस किस के बीच में था? ये था यूके और मॉरिशस के बीच में। तो आखिर अभी ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए कि आप लोगों को पता है यूएन के अंदर में टोटल 193 मेंबर है। 193 मेंबर में से 116 मेंबर ने यहां पर ये मॉरिशस के फेवर में वोट किया है कि यहां पर जो यूके है उसको कॉलोनियल जो पावर थी यूके, यानी कि आप लोगों को बताया यूके के हमारी कंट्री के ऊपर भी लगभग 200 साल तक रूल किया गया, तो वहां से अपनी कॉलोनियल पावर को अब हटा ले। अब यहां पर काफी आप लोग समझ सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड आ चुका है, तो आज की डेट में भी इसको अपनी कॉलोनी मानता है यूएसए। तो इसलिए यहां पर ये काफी लंबे समय तक जद्दोजहद चल रही थी। हालांकि ये जो अभी जो यहां पर यूएन जनरल असेंबली में यहां पर ये पास किया गया रेजोल्यूशन ये नॉन बाइंडिंग था, पर लेकिन रियलिटी में सब यही चाह रहे हैं कि यहां पर मॉरिशस को इसका एरिया रिटर्न कर दिया जाए। और ये काफी फेमस यूएसए का बेस भी है, मिलिट्री बेस काफी लंबे समय तक ये रहा है। अब यहां पर ये चाहता है कि देखिए बेसिकली मॉरिशस ये चाहता है कि ये मेरे अंडर में आ जाए। ठीक है, तो इसी के लिए दोनों के बीच में रस्साकसी चल रही है, और हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि ये इंडियन ओशन में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात करता है यूजीसी के बारे में, जिसको आप लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं। ये रिसेंटली अभी न्यूज में था, इसके बारे में आप लोग काउंट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट में यहां पर ये बोला गया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि सेटअप की गई थी यूजीसी एक्ट 1956 के हिसाब से। पहली स्टेटमेंट है ये। दूसरी स्टेटमेंट यहां पर ये है हायर एजुकेशन कमीशन जो इंडिया में वो इसको इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, ये यूजीसी को रिप्लेस करेगा। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि जो यूजीसी है ये यहां पर यूनिवर्सिटी को इंडिया में जो भी रिकॉग्निशन मिलती है वो यहां पर कौन करता है? ये यूजीसी करती है। और इसी के साथ में जो फंड दिया जाता है वो भी यहां पर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को यूजीसी देती है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये बताना है। ए में बोला गया टू ओनली, बी में बोला गया वन ओनली, सी में बोला गया टू एंड थ्री ओनली, डी में बोला गया वन टू एंड थ्री ओनली। अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद में आप लोग आंसर देखेगा। जो आंसर इसका सही है वो है आंसर यहां पर सही सी। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया फिर? इसका मतलब यहां पर ये है जो यहां पर बोला गया कि ये यहां पर सेटअप की गई है यूजीसी एक्ट 1956 के हिसाब से, तो यहां पर ये जो एक्ट है ये हमारी कंट्री में एक स्टैचूटरी बॉडी बनाने के लिए यहां पर ये एक्ट आया और जिसके बेस पर यहां पर इसको सेटअप किया गया। तो जो यहां पर ये देखने को मिलता है तो ये अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी बात चल रही है कि हायर एजुकेशन कमीशन बनाया जाएगा जो कि यूजीसी को रिप्लेस करेगा। और जो ये फंडिंग पावर है यहां पर ये भी कहीं ना कहीं इसके हाथ में से छीन ली जा रही है। और जो मिनिस्ट्री है यहां पर, जो आज के में कौन सी मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसके हाथ में पावर देने की बात की जा रही है। और इसी के साथ में आप लोगों को बताया रिसेंटली अभी एजुकेशन पॉलिसी भी हमारी कंट्री में जिसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है, वो एजुकेशन पॉलिसी यहां पर ये बोल रही है कि यूनिवर्सिटी जो आज की डेट में यूनिवर्सिटी ये ग्रांट कमीशन ये तो अपनी जगह है, पर लेकिन जो बॉडी है यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है उसका नाम चेंज करके ये एजुकेशन मिनिस्ट्री करने की बात की जा रही है। तो देखते हैं क्या क्या चेंज यहां पर किया जाएगा। हेडक्वार्टर इसका आज के डेट में न्यू दिल्ली में, 6 रीजनल ऑफिस है पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर। तो ये कुछ बातें हैं जो इसके बारे में याद रखते हैं। आज के में जो चेयरमैन है ये है यहां पर डीपी सिंह। ठीक है, तो याद रखते हैं इसके बारे में। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर दो ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा है, एक बोला है ऑपरेशन कैक्टस और दूसरा बोला है ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। पहला बोला गया ऑपरेशन जो कैक्टस है यहां पर वो ऑपरेशन है जब हमारी कंट्री में 1984 में रिलीजियस मिलिटेंट को यहां पर पंजाब के अंदर यहां पर रिमूव किया गया था, तो उस जो कोड नेम था यहां पर उसको ये यहां पर ऑपरेशन कैक्टस का नाम दिया गया था 1984 में। नेक्स्ट ऑपरेशन जो ब्लू स्टार है यहां पर ये जो कोड नेम है ये बोला जा रहा है कि यहां पर काफी ये प्रॉब्लम देखने को मिली थी मालदीव में, तख्ता पलटने की कोशिश की गई थी, यह अब्दुल्ला लुतुफी तो इनके नेतृत्व में, तो उस टाइम पर हमारी कंट्री ने सपोर्ट
सपोर्ट किया था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को मेंटेन रखने के लिए, इसको ऑपरेशन ब्लू स्टार बोला गया था। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया है वन ओनली, बी में बोला गया है टू ओनली, सी में बोला गया है बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया है नाइदर वन नो टू। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके बाद में आप लोग आंसर देखिएगा। सही एग्जैक्ट आंसर है यहां पर डी, क्योंकि रीजन यहां पर यह है, ये जो है यहां पर ये क्रॉस कर दिए गए हैं, ये जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, और ऑपरेशन कैक्टस की ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। देख लीजिए आप लोग ढंग से, ऑपरेशन ब्लू स्टार यहां पर कोड नेम रखा गया था इंडियन मिलिट्री एक्शन जो कैरिड आउट लाया गया था 1984 में रिमूव करने के लिए जो मिलिटेंट है ये यहां पर रिलीजियस लीडर थे पंजाब के अंदर में, तो काफी ज्यादा यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिली थी। और यहां पर ऑपरेशन कैक्टस जो है यहां पर ये अटेम्प्ट किया गया था कूप यहां पर एक तरीके से मालदीवियन जो गवर्नमेंट है उसको पलटने के लिए अब्दुल्ला लुतुफी के द्वारा, तो यहां पर इसको रोकने के लिए इंडिया ने हेल्प की थी, क्योंकि वहां पर गुहार लगाई गई थी मालदीवियन गवर्नमेंट के द्वारा कि हमको बचा लो वरना यहां पर डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। और रीजन क्या है यहां पर? रीजन ये है, मैंने अभी आप लोगों को मैप में दिखाया, यहां पर आप लोग जान सकते हैं, यहां पर ये हो गया मालदीव, इंडियन ओशन में बिल्कुल जस्ट नीचे आप लोगों को मालदीव देखने को मिलेगा। अगर यहां पर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है तो कल को कुछ भी यहां पर उल्टी सीधी हरकतें हो सकती हैं और इंडियन ओशन में अशांति फैल सकती है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बींग ए कंट्री, सबसे बड़ी जो कंट्री है यहां पर इंडियन ओशन में और जिसके नाम पर ओशन का नाम रखा गया है, ओनली इकलौती ऐसी कंट्री है जिसके नाम पर किसी ओशन का नाम है, तो इंडियन ओशन है ये। तो इसी के चलते यहां पर ये यहां पर हम लोगों ने हेल्प की थी और इसको यहां पर ऑपरेशन कैक्टस के नाम से पुकारा गया था। तो ये आंसर इसका क्या हो गया? आंसर डी हो गया। ये इस तरीके से दोनों कनेक्ट आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन आने वाले हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इनका आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछे जाते हैं और ये दो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि काफी न्यूज में रहती है। पहला है यहाँ पर साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन जिसको आप लोग सास बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और दूसरा है बिम्स्टेक के बारे में। पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट बोला गया कि इसको एस्टेब्लिश किया गया था साइनिंग एक एक्ट यहाँ पर जिसको सास चार्टर बोला जाता है ढाका, ढाका यानी कि बांग्लादेश में, याद रखिएगा ढाका में इसका ढक्कन खुला था, ऐसे करके आप लोग याद रखते हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि 8 दिसंबर 1985 में इसका ढक्कन खोला गया था, पहली स्टेटमेंट। दूसरे बोला गया कि जो सास का डिसीजन होता है ये ऑल लेवल पर ये जो लिया जाता है ये मेजोरिटी के द्वारा बोला जाता है, यानी कि जितने मेंबर हैं, मेंबर में मान लीजिए यहां पर 10 मेंबर हैं, ठीक है, तो 10 मेंबर हैं या फिर मान लीजिए 20 मेंबर हैं, तो यहां पर अगर 20 मेंबर हो गए तो 11 और अगर 9 है तो 11 जहां पर रहेंगे वहां मेजोरिटी रहेगी, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ये स्टेटमेंट है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है? और हाँ, ये मत सोचेगा जिसको पता है कि यहां पर साग में कितने मेंबर है, मुझे मेंबर नहीं पता है, अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, ये बेसिकली एक उदाहरण देने के लिए बताया गया क्योंकि अभी क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जस्ट, ठीक है। पहले बात करते हैं यहां पर, ये बात करते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। तो आप लोगों के सामने जो एग्जैक्ट आंसर है यहां पर वो क्या है? आंसर है यहां पर ए। ए आंसर क्यों है यहां पर सही? ए आंसर यहां पर सही इसलिए है क्योंकि ये तो सही है कि ढाका के अंदर इसका ढक्कन खोला गया था, और इससे आप लोग याद रखते हैं 8 दिसंबर को एस्टेब्लिश किया गया था और टोटल मिलाकर 8 ही इसके अंदर मेंबर हैं, ठीक है। बाकी अगर बात करें यहां पर, कोई भी डिसीजन यहां पर मेजोरिटी से नहीं लिया जाता है, हर एक मेंबर अगर यहां पर सेटिस्फाई रहेगा तो तभी यहां पर डिसीजन लिया जाएगा, और यही बहुत बड़ा रीजन है इसका जिसकी वजह से यहां पर ये सक्सेस नहीं हो पाई, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की बनती नहीं है ग्रुप के अंदर में, और जब इंडिया और पाकिस्तान की नहीं बनेगी तो मान लीजिए कोई प्रॉब्लम ऐसी है, इंडिया ने बोला कि सात सैटेलाइट बनाना है सारी कंट्रीज के लिए, पाकिस्तान ने मना कर दिया, इंडिया ने बोला है कि रोड बनाते हैं कनेक्टिविटी करने के लिए, पाकिस्तान ने मना कर दिया, तो वो काम नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये कहीं ना कहीं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है जो कि काम करना लगभग बंद कर चुकी है, तो इसलिए ये काफी न्यूज में रहती है कई रीजन की वजह से। और दूसरी जो रीजन है काफी न्यूज में रहने का इसका, ये है यहां पर बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक के बारे में भी जान लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आप लोगों को दोनों में कंपेयर करके दिखाऊंगा मैप में आप लोगों को इनको दोनों की लोकेशन। बात की जा रही है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है इंडियन ओशन में, तो उसके बारे में बात की जा रही है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, यानी कि बे ऑफ बंगाल में मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल कॉर्पोरेशन करना है और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन यहां पर करना है, ये मेंबर है टोटल। इसमें आप लोगों को ये यहां पर स्टेटमेंट है, इसमें आप लोगों को बताना है कैसे कैसे क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले बोला गया कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 8 मेंबर हैं, ठीक है, 8 मेंबर हैं जो कि खासकर बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में पाए जाते हैं, ये यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन की बात की जा रही है पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला जा रहा है कि ये एक सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 6 जून 1997 में एस्टेब्लिश की गई थी, ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि बिम्स्टेक जो है ये लगभग 1.5 बिलियन जो लोग हैं वो यहां पर इसमें आप लोगों को देखने को मिलते हैं और 22% ग्लोबल पॉपुलेशन यहां पर आती है, ये तीसरी स्टेटमेंट है। अब आप लोग करेक्ट स्टेटमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा आंसर सही है। ए में बोला गया टू ओनली, बी में बोला गया टू एंड थ्री ओनली, डी में सी में बोला गया थ्री ओनली, डी में बोला गया वन एंड वन टू एंड थ्री ओनली, तो आप लोगों के हिसाब से कौन सा आंसर सही है, ठीक है।
आइए पहले एक बार यहां पर आंसर देख लेते हैं, उसके बाद में फिर आप लोग इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। आंसर जो सही है यहां पर ये बी आंसर सही है, क्योंकि यहां पर 7 मेंबर हैं, 8 मेंबर नहीं है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा याद रखिएगा बे ऑफ बंगाल में यहां पर ये देखने को मिलती है ऑर्गेनाइजेशन, तो यहां पर बे ऑफ बंगाल की जगह आप लोगों को अरेबियन सी भी बोला जा सकता था कि हाँ उस वह लोकेशन है इसकी, अगर आप लोगों को फुल फॉर्म इसकी नहीं पता है तो कंफ्यूज करने की कोशिश कई बार आप लोगों इस तरीके से कर दी जाती है। बैंकॉक की अगर बात करें तो ये 1997 में बैंकॉक में यहां पर इसका डिक्लेरेशन हुआ, जिसके बेस पर हम लोगों ने बात की कि हाँ ऐसा कुछ यहां पर हम लोगों को एस्टेब्लिश करना है। तो ये बैंकॉक डिक्लेरेशन आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ लिया है, क्वेश्चन बन जाएगा इसी तरीके से कि यहां पर किसी के भी बारे में किस तरीके से पूछ लिया जाएगा जी हाँ कि हाँ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किसके बेस पर यहां पर ये बनाई गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए भी जाते हैं। टोटल मिलाकर अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं यहां पर, तो पॉपुलेशन में आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा कि 22% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है और 1.5 बिलियन है वैसे अगर काउंट करते हैं तो। बैंकॉक डिक्लेरेशन बैंकॉक कहां पर है, ये थाईलैंड में, थाईलैंड की जो ये कैपिटल है बैंकॉक, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, कई बार क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया जाता है। ओके, अब थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या है यहां पर बिम्सटेक और साक के बारे में, दोनों में हम लोग कंपेयर कर देख लेते हैं ताकि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओ। ठीक है, तो यहां पर देखने को मिलेगा जो बैंक जो यहां पर इसके ये बिम्सटेक के अंदर मेंबर है, टोटल मिलाकर आप लोगों को यहां पर 7 मेंबर नजर आएंगे, जो कि 8 दिया था तो 8 वहां पर गलत हो गया, तो 7 मेंबर है यहां पर, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। ठीक है, तो ये 7 मेंबर आप लोगों को यहां पर इसमें देखने को मिल रहे हैं टोटल मिलाकर। पर लेकिन जब बात करते हैं साक के बारे में तो यहां पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान यहां पर 2 अलग मेंबर हो जाते हैं, बाकी म्यांमार और थाईलैंड यहां से कट जाते हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और यहां पर ये हो गया श्रीलंका और मालदीव। तो टोटल मिलाकर ये आप लोगों को 4 मेंबर यहां पे और 4 मेंबर यहां पे, ये 8 मेंबर यहां पर रहते हैं। बट लेकिन यहां पर किंतु परंतु अपितु बल्कि यहां पर ये अफगानिस्तान है, इसकी वजह से काम नहीं हो पाता है, तो इसलिए काफी न्यूज में रहती है। तो दोनों में कंपेयर करके याद रखिएगा, और यह है बे ऑफ बंगाल, इसके चारों ओर यहां पर ये सारी कंट्री है। ठीक है, इसी के नाम पर इसका नाम बिम्सटेक रखा गया है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग छोटी छोटी मगर मोटी बातें याद रखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया यहां पर, इस तरीके से आंसर जो ये वाले आंसर का इसका आंसर हो गया यहां पर बी। ठीक है, फर्स्ट यहां पर गलत हो गया और बाकी के ये दोनों सही हैं, क्योंकि यहां पर 8 नहीं है, 7 मेंबर है। ठीक है, और पहले का आंसर क्या था वो तो आप लोगों को बताई दिया था अच्छे से, ये आंसर यहां पर इसका ए हो गया, जो कि साक के बारे में है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात करता है बेंचमार्क इंडियन पेमेंट सिस्टम के बारे में। ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट जो भी आप लोग बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पर पूछा जा सकता है। तो क्या क्या बातें की जा रही है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिलीज किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये रिलीज किया जाता है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा रिलीज किया जाता है, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट से, ये अपना आंसर बताइए, उसके बाद में आप लोग इसका आंसर देखिएगा। जो सही आंसर है यहाँ पर ये है डी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो बैंक है रेट है यहाँ पर ये प्रेजेंट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। हमारी कंट्री में पेमेंट सिस्टम कैसा है, खासकर ये दूसरी कंट्री के साथ में यहाँ पर कंपेयर किया जाता है, यानी कि आसियान मेंबर हो गए जैसे, ये फिर दूसरी जो कंट्री है उनके साथ में कंपेयर किया जाता है और उसके बेस पर यहाँ पर आगे इसको इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आइए, अच्छा एक बात बताइए, हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कब किया गया था, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए हल्का सा, इतना तो आइडिया कम से कम, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, पता ही होना चाहिए आप लोगों को। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिसेंटली अभी काफी न्यूज में था, किस रीजन की वजह से न्यूज में था वो अभी हम लोग बातें करेंगे। पहले क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन की बात की जा रही है, तो इसमें बोला गया कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये याद रखिएगा। यहां बोला गया ऑर्गेनाइजेशन जो इस्लामिक जो कॉर्पोरेशन है ये सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूएन, यूएन सबसे बड़ी है उसके बाद में सेकंड लार्जेस्ट है ये। यूएन में आप लोगों को पता है 193 मेंबर है। ठीक है, और इसमें बोला जा रहा है कि टोटल 80 मेंबर आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे लगभग 4 कॉन्टिनेंट में से। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया कि ये काम क्या करती है, जो भी यहां पर मुस्लिम कम्युनिटी है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उनको यहां पर सेफगार्ड करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है और उनके इंटरेस्ट को ऑल ओवर वर्ल्ड में रखने की कोशिश करती है, पीस और हार्मनी बनाए रखने की कोशिश करती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। यह है सेकंड स्टेटमेंट। तो आप लोग नीन करेक्ट आंसर बताना है, ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू, तो कौन सा आंसर इनकरेक्ट है। तो जो आंसर इनकरेक्ट है यहां पर ये है ए, तो आंसर हो गया आप लोगों के हिसाब से यहां पर ए आंसर हो गया। अब इनकरेक्ट क्यों है, इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि यहां पर ये 80 मेंबर नहीं है, टोटल मिलाकर आप लोग यहां पर 57 मेंबर आज के में इसके अंदर देखने को मिलेंगे। इसके बारे में कुछ और बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो भी थोड़ी जान लेते हैं, आइए एक बार डिटेल में।
सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है OIC, तो टोटल मिलाकर 57 मेंबर हैं और चार कॉन्टिनेंट में ये मेंबर यहां पर फैले हुए हैं, यानी कि टोटल मिलाकर चार कॉन्टिनेंट में मेंबर हैं और यहां पर मुस्लिम जो वर्ल्ड है उसकी वॉइस को यहां पर ये प्रमोट करते हैं। अभी रिसेंटली इसलिए न्यूज में था क्योंकि जो फॉर्मर हमारी कंट्री की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज जी, उनको बोलने के लिए बुलाया गया था इसके अंदर, तो इसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ी मिर्च लगी। क्योंकि देखिए रीजन ये है, अगर आप लोग मुस्लिम कम्युनिटी के हिसाब से माने, वैसे हमारी कंट्री में कोई रिलीजन नहीं है पर्टिकुलर कि हमारी हिंदू कंट्री है या मुस्लिम कंट्री है, वो एक अलग बात है, पर लेकिन हमारी कंट्री में भी बहुत लार्ज स्केल पर मुस्लिम कम्युनिटी है, तो आखिर हम इसके मेंबर क्यों नहीं हो सकते, हम वहां पर जाकर क्यों नहीं बोल सकते। तो कुछ ऐसी बातें निकल कर आई थी कि इंडिया को भी यहां पर अभी रिसेंटली इन्वाइट किया गया था, जो कि काफी बड़ी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। हालांकि इंडिया ना तो ऑब्जर्वर मेंबर है और ना ही यहां पर कोई इसका मेंबर है, ये एक अलग बात है, वो आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं। इसको स्टैब्लिश किया गया था 25 सितंबर 1969 में, और जो ये इसको स्टैब्लिश किया गया था ये रबात किंगडम ऑफ मोरक्को में यहां पर ये सबमिट हुई थी, उसके बाद में यहां पर इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है प्रसार भारती के बारे में। प्रसार भारती के बारे में क्वेश्चन है और पूछा यहां पर क्या गया है। देखिए जब भी मैं आप लोगों को बोलता हूं ना, किसी भी क्वेश्चन के बारे में अगर आप लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप लोगों की नजर कहां जानी चाहिए, सबसे पहले आप लोगों की नजर जानी चाहिए वो जानी चाहिए कि यहां पर यह करेक्ट पूछा गया है या फिर इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर जान लेते हैं। तो यहां पर बोल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सबसे पहले बोलता है कि हमारी कंट्री में यूनिटी और इंटीग्रिटी के बारे में बात करता है, जो वैल्यूज होती है खासकर संविधान में उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। इंडियन के सेफगार्ड की यहां पर बात की जाती है, ऑल इंडियन पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से यहां पर फेयर और बैलेंस इंफॉर्मेशन सबके पास में मिलनी चाहिए, यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है किसी भी इंडियन को यहां पर गलत इंफॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अगर यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है नमक मिर्च लगाकर, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई जानी चाहिए, जो एग्जैक्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वही सब तक यहां पर पहुंचनी चाहिए। तो इस तरीके से यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि सही इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचाने का काम किया जाता है, प्रमोट करती है सोशल जस्टिस, सेफगार्ड और राइट ऑफ द वर्किंग क्लास, माइनॉरिटी और ट्राइबल कम्युनिटी, ये यहां पर बोला गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये बताना है। ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया वन एंड थ्री ओनली, सी में बोला गया टू एंड थ्री ओनली, डी में बोला गया वन टू एंड थ्री ओनली। तो कौन सा आंसर सही है, आंसर बताइए, उसके बाद में आंसर देखिएगा। जो सही आंसर यहां पर है, सही आंसर हो गया इसका डी, यानी कि सारी सही है ये स्टेटमेंट। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रसार भारती को जो एस्टेब्लिश किया गया था हमारी कंट्री में 1997 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। आज की डेट में जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। सूर्य प्रकाश इसके चेयरमैन है। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसकी चाइल्ड एजेंसी कौन सी है। ये क्वेश्चन रिसेंटली अभी यूपीएससी में पूछा भी गया था, पेपर उठा के देखेगा। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस और दूरदर्शन जो है वो इसकी चाइल्ड एजेंसी है प्रसार भारती की। तो इस तरीके से आंसर यहां पर तो वो दिए मैंने आप लोगों को बताया दिया। बाकी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाता है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में ये आता है। तो ये तमाम क्वेश्चन आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं।